हेलो दोस्तों, कार टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। तो ये गाड़ी है, मेरे पास आया है, स्कोडा का है, रैपिड है, और इसमें वाटर पंप ख़राब हो गया था। वाटर पंप रिप्लेस करेंगे और इसका टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करेंगे, और टाइमिंग के बारे में आपको बताएंगे किस तरह इसका टाइमिंग रहता है। तो देखने के लिए वीडियो में बन रही है, और आगे बढ़ने से पहले जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए वाटर पंप है, वाटर पंप को हम रिप्लेस कर रहे हैं, नई लगा रहे हैं। ये देखिए इसका वोल्ट, जिसमें 3 वोल्ट रहते हैं, 10 NM का रहता है। देखिए टाइमिंग का देखिए ये है, ये इसमें कटा हुआ रहता है कैम का फुल्ली में, और ऊपर ये जो निशान ऊपर दिख रहे हैं वाइट वाला, उसी के बराबर रहेंगे। ये देखिए कटा हुआ है तो फुल्ली में, और ऊपर वाइट वाला निशान है उसी के सामने रहेंगे। और ये देखिए पंप का टाइमिंग हो गया। ये देखिए यू सा बना रहता है वो देखिए उसी में, और ये पंप में देखिए ये बल्ब घुसा दिए, क्योंकि बल्ब इसमें फिट बैठ गया था, इसलिए इसको हम इसमें बल्ब बैठा घुसा दिए हैं। और ये देखें कैम का टाइमिंग, ये कैम का टाइमिंग हो गया। ये देखिए यहाँ पे वह देखिए कैम का टाइमिंग, ये 5 नंबर एलिंकी है, ये उसमें फिट बैठते हैं 5 नंबर एलिंकी। ये देखिए एलंकी वहाँ घुस गया। ये देखिए बेल्ट को अच्छे तरीके से बैठा देंगे हम। देखिए बेल्ट हमारा लग गया है। ये देखिए एडजस्टर बैरिंग है, ये उस बेल्ट के अनुसार इसको टाइट कर देंगे। देखिए हमारा बेल्ट टाइट हो गया, ठीक है बेल्ट। और देखिए फिर भी समझ में ना आए तो ये देखिए कवर इसका लगाकर, और इसका पुल्ली कस के लगाने से, ये देखिए इसका जो इसमें जो तीर का निशान है और इसमें पुल्ली में कट का निशान हुआ है, दोनों तीर और कट का निशान दोनों एक मिल जाए तो समझ जाइए कि इसमें भी इसका भी ठीक बैठ जाते हैं। और देखिए इधर ठीक है, और नीचे कट का निशान, और कवर में तीर का निशान, दोनों का सेम हो गया तो समझ जाइए कि हो गया। देखिए हमारा ये हो गया है, और इसको हम स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको स्टार्ट होता है कि नहीं होता। ये देखिए पूरा सभी हम सभी कुछ टाइट कर दिए हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो पानी डालकर अभी कर रहे हैं, थोड़ी देख लेते हैं कि ठीक कहीं से लीक उक तो नहीं करता, लीक नहीं करेगा तो फिर से इसमें कूलर डाल देंगे। टेस्टिंग के लिए पानी इसमें डाल दिए सिर्फ। देखिए स्टार्ट हो गया, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा।